और क्या चाहिए, गोवा और ऐसे वेदर हो रखा हो जबरदस्त, बहुत बहुत बढ़िया वेदर हो रखा है। अच्छा बाहर धूप नहीं है तो हमारा लगेज आ गया, जा रहे हैं होटल फाइनली है जसप्रीत जी। अपना चश्मा भजब की बाहर हो रही है बारिश। ये मेरा चश्मा नहीं है। कहाँ से एग्जिट है गाइस? यहाँ पे अंकित जसप्रीत अंकित जी वहाँ कहाँ आ रहे हो? सब परेशान, बारिश हो रही है ना अभी। हम गोवा पहुंचे और यहाँ पे हो रही है बारिश। मैं कह रहा हूँ सबसे बढ़िया वेदर हो गया। हाँ वेदर तो बढ़िया हो रहा है। मम्मी आए हैं, कहाँ आए हो? गोवा कहाँ गए? उनकी किसान है। जबरदस्त भूख लग रही है, पनीर टिक्का सैंडविच ली है चाय पॉइंट से। जा रहे हैं भाई टैक्सी लेके, जल्दी करो भैया। हट डालना यार। मैंने अपना सैंडविच ले लिया है, कैब में बैठ के खाऊंगा। चले तो कहाँ है हमारी गाड़ी? तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तो थोड़ा ध्यान से चलियो। ये रहे अंकित जी। तुम्हें जम तो जहद के बाद फाइनली कैब मिल गई है। कौन सी है जसप्रीत जी हमारी? अच्छा वेदर अच्छा हो गया जो भी। तो अरे नहीं अरे भाई मेरी गलती है ही नहीं, टिकट पढ़ो। ये देखा आते ही यार भूख लग रही है, पेट में कुछ खाया नहीं। क्यों? मेरे उधर से भूखे नहीं थे तब तो खाते ही बैठे थे। हम आगे होटल देख के आते हैं।
ऑर्डर लग तो अच्छा रहा है। वेदर बहुत बहुत बढ़िया वेदर हो रहा है। अभी इसने कहा ना काट देगा, ये स्पॉन्सर कर रहा है, ये सच्चाई, अभी देखना ये मारेगा कैसे करके। सर 9 to 9 इज अवर स्पा, 11 to 11 इज अवर बार। आजकल खेती खुशी में कहाँ कमाइया रहेगी, ब्लॉगर ही पैसे कमा रहे हैं, एक वीडियो डाली चल 10 लाख रुपए अंदर। 11 to 11 इज अवर बार सर। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चाहिए रूम से जस्ट डायल 0, दैट्स अ गेस्ट सर्विस। ठीक है जी। एनी डिस्काउंट ऑन एनीथिंग दैट वी ऑर्डर फ्रॉम योर रेस्टोरेंट? हां, बेबी फूड तो इंक्लूड है। हां, बेबी फूड है इंक्लूड। हां, इंक्लूड होता है। ये देखो बड़े ऑर्डर में संभव है, फैमिली बेटे क्या बच्चों को डालते हैं। ये भी मैडम ब्लॉगर है ये भी। तो मैम कौन सा ब्लॉगर डिस्काउंट दे रही है, बार बार बता रहे हो। गाइस देखो, ये हमारे साले साहब के पास बहुत पैसा है, मोकड़ा पैसा, मोकड़ा। ये देखो, ये ब्लॉगर बनते सार ही ना ऐसे, पता नहीं क्या घर पे बारिश होती है। हाँ, 10 लाख रुपए अकाउंट में आया था इनके। अभी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करेंगे 5 लाख रुपए। सर सर अपने आईडीज भेजो। अंकित कह रहा है ये ब्लॉग में पक्का काट दूंगा। अंकित कह रहा है ये ब्लॉग में डलने दूंगा, पक्का काट दूंगा। देखो आपके पास आया होगा। सुंदर प्रॉपर्टी अच्छी है इनकी, बाकी अंदर जाके मैं तो कह रहा हूँ चेंज करके पूल में कूद जाओ, थकान उतर जाएगी। मैं कह रहा हूँ कपड़े उतार के सीधा पूल में कूद जाओ, थकान भी उतर जाएगी। ना बाथटब सा हमारे उसमें बोल दो, ऊपर भी है क्या बाथरूम कोई? ये सोफा कम बेड है यार, हमारे उसमें बाथटब था। अच्छा रे, डबल जैक रूम। गेट बंद कर देना, गेट बंद कर देना। अरे ये रहा बाथरूम, अरे ये रहा। ओ बर्ड वो जसप्रीत जी ने इधर घुसा ही नहीं, नीता की देखा इतने में वो बुला लिया हमने, भाई यहीं लगे आते ना। ये हसी वादियाँ ये कुलास। यार होटल बहुत सुंदर है, इनका पूल भी सुंदर है, होटल भी काफी सुंदर है यार। अभी गिरा तू यहीं से देखो। नहीं यहाँ से जा ही नहीं सकते हैं। इनका व्यू सुंदर है। हम पूल टाइम भी स्विमिंग करोगे? हाय
सब आ गए हैं स्विमिंग के लिए। शानदार, मजा आ गया। ये देखो ऐश्वर्य आ रही है डूबती हुई। अंकित पापा को भी स्विमिंग सीख लिए। सीख ले आप सिखाओ। हम देख कितनी लग रही है इसको। बहुत कौन नहीं मिलेगी। हेलो गाइस, ठंड है, ठंड पानी के अंदर चली जाती है, कुछ नहीं होता। सीरियसली इतना अमेजिंग वेदर है ना गोवा में, मजा आ रहा है। रेखा कहां है? रेखा जी कॉस्ट्यूम लेने गई। अरे अंकित जी क्यों बदनामी करा रहे हो यार? मेरी पतली क्या हो गई है, बिल्कुल ही मतलब छोड़ ही नहीं रहे। और शर्म करिए, वो करना है जब मोटे होने पे, थोड़ा पतले होने पे भी छोड़े। अच्छा जी एंजॉय कर रहे हो? यस, बहुत सारा। इतना अमेजिंग वेदर है यहां पे। वेदर बढ़िया हो गया। मांगा था कि हां वेदर बढ़िया, जो भी कहो वेदर बढ़िया हो गया। बता रहे बस थोड़ी सी स्विमिंग और आती होती ना तो बहुत अच्छा हो जाता। थोड़ी और स्विमिंग और आती होती ना तो बहुत ही मजा आ जाता।